चालीसगांव रोड पुलिस ने 24 घंटे के भीतर धूले शहर के गफूर नगर इलाके में घर में हुई चोरी की जांच करने में सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा की गई इस कड़ी कार्रवाई की हर तरफ सराहना की जा रही है। धूले शहर के वजड़ई रोड गफूर नगर क्षेत्र निवासी मकसूद अली सैयद अली अपने घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहा था, तभी निचली मंजिल के मकान का ताला तोड़कर आरोपी घर में घुस गया और 44,000 रुपए नकद व 15,000 रुपए चुरा ले गया। चालीसगांव रोड थाने में चोरी का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तेजी से अपनी जांच का चक्र घुमाया और दोनों चोरों की मुस्कान खुल गई। दोनों चोरों के नाम वसीम जैनुद्दीन शेख और आबिद हुसैन अंसारी है और ये धूले शहर के वरजई रोड इलाके के रहने वाले हैं। चोरी गए दोनों सामानों के पास से 21,700 रुपये और 15,000 रुपये के सोने के आभूषण बरामद कर दोनों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। चालीसगांव रोड थाने की पुलिस निरीक्षक संदीप पाटिल सहित टीम के प्रदर्शन की वरिष्ठ अधिकारियों ने सराहना की है। 17 तारीख को चालीसगांव रोड हद्दी मधे एक गरपोड़ी हुआ है। वो गरपोड़ी में अराउंड 44,000 कैश एंड 10,000 का गोल्ड ऑर्नामेंट्स गया है। तो उसके अंडर हमारा माननीय एसपी सर एंड माननीय एडिशनल एसपी सर एंड हमारा चालीसगांव पुलिस स्टेशन की एपीआई साहब एंड चालीसगांव रोड की टीम ने कार्रवाई किया है। तो इसमें हमको लोकेशन ऐसा मिला है कि ये जो दो आरोपी है ये दोनों आज़ाद नगर के हैं, बट वो मालेगांव में रह रहे हैं, मतलब रहने के लिए गया है गरपोड़ी करने के बाद। तो हमने उसका लोकेशन निकाला, वहाँ पर गया, हमारे एक टीम को भेजा वहाँ पर। तो वहाँ पर एक आदमी ने एक आदमी पकड़ गया, सेकेंड उसको इंटरोगेट करने के बाद दूसरा आदमी को हमने दूल्हे में अरेस्ट किया। तो इसमें टोटली दो अक्यूज्ड है, एक का नाम वसीम जैनुद्दीन शेख, वो रहने वाला है माधवपुरा में, दूसरे के नाम अबीद हुसैन करके है, तो वो रहने वाला है वटजाई रोड पे। ये दोनों को हमने अरेस्ट किया एंड उसमें इंटरोगेशन में उसमें अराउंड 36,000 हमने रिकवरी किया है, इंक्लूडिंग कैश एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो ये चालीसगांव रोड पुलिस स्टेशन उसका पीपीए एंड उसका डीबी स्टाफ को मैं बधाई देता हूँ। एनबीसीएन न्यूज़ के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।